नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा पांचवी के गणित में पाठ 10 काल मापन का प्रश्न संग्रह 44 करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 44। ये प्रश्न संग्रह 44, उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे 12 घंटों वाली घड़ी का समय दिया गया। मतलब ये जो दिया गया है, ये हमको क्या दिया गया है, 12 घंटे वाले घड़ी का समय दिया गया है। इस समय को 24 घंटों वाली घड़ी में कितना दिखाया जाएगा, लिखो। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, मध्याह्न पूर्व 10:30। मध्याह्न पूर्व का मतलब क्या होता है, मध्याह्न मतलब होता है दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे के पहले का जो समय रहता है वो क्या हो जाएगा, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा 10:30। अब यहाँ पे क्या दिया गया, मध्याह्न पूर्व 8:10, तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 बजे से पहले का समय है। तो जो 12 बजे का पहले का समय रहेगा तो क्या हो जाएगा, 8:10। इसी तरीके से आएगा। अब क्या दिया गया, मध्यान्होत्तर 1:20। तो मध्यान्होत्तर का मतलब क्या हो जाएगा, 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद में यहाँ पे देखो एक लिखा है ना, तो 12 में एक जोड़ दो, तो 12 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13:20। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे भी लिखा है मध्यान्होत्तर 5:40। तो यहाँ पे भी देखो कि मध्यान्होत्तर है, मतलब 12 में 5 जोड़ दो, तो 12 में 5 जोड़ा था कि क्या हो जाएगा, 17:40। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, जोड़िए मिलाओ। यहाँ पे दिया गया 12 घंटों वाला काल मापन, मतलब समय दिया गया। यहाँ पे 24 घंटों वाला काल मापन समय दिया गया। तो यहाँ पे एक एक को जोड़िया मिलाना है। देखो सुबह 9:10, तो ये किसमें जोड़िए मिलाएंगे, 9:10 में। अब क्या दिया गया, दोपहर 2:10, तो देखो दोपहर 2:10 मतलब 12 बजे के बाद होता है, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो इसको किससे जोड़िए मिलाओगे, 14:10 से। अब क्या दिया गया, सायंकाल 5:25। देखो यहाँ पे शाम के 5:25 मतलब क्या हो जाएगा, 12 में 5 जोड़ोगे तो 12×5 कितना हो जाएगा, 17:25। अब रात का 11:10 है, तो रात भी जो होगी वो कब हो जाएगा, 12 बजे के बाद में ही होगा ना, रात को दोपहर के 12 बजे के बाद का समय जो होता है तो वो रात में आ जाता है। तो 11 और 12 कितना हो जाएगा, 23:10, तो ये कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है। उसके बाद सुबह 7:25, तो ये 12 बजे के पहले है, तो ये 7:25 पे ही आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 44 कम्प्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 44 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।